साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सिद्धार्थ शुक्ला को दुनिया छोड़े करीब 3 महीने होने को हैं, लेकिन अब भी फैंस और उनके परिवार वाले सिड की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब भी सिद्धार्थ शुक्ला को याद कर रहे हैं और हर पल यही दुआ कर रहे हैं कि काश सिद्धार्थ शुक्ला वापस आ जाते। अब सबसे बड़ी या कहें कि चमत्कारी खबर यही है कि सिद्धार्थ शुक्ला वापस आ रहे हैं। जी हाँ, इसके लिए दिन समय सब कुछ तय हो गया है। खुद परिवार वाले इससे हैरान हैं और इसकी पूरी तैयारी भी हो गई है। तो क्या है सिद्धार्थ शुक्ला की वापसी को लेकर अपडेट, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके सिद्धार्थ को लेकर अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो 2 सितंबर के दिन सुबह सुबह खबर आई कि सिद्धार्थ शुक्ला ने दुनिया छोड़ दी, सिद्धार्थ का निधन हो गया, जिसके बाद तो फैंस के साथ परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सबसे ज्यादा शहनाज गिल और सिट की मां परेशान रही और हर पल यही दुआ करती रही कि कैसे भी सिद्धार्थ वापस आ जाएं। हालांकि यह हो नहीं सकता था क्योंकि सिद्धार्थ ने दुनिया छोड़ दी थी, मगर अब करीब 3 महीने बाद यही चमत्कार होने वाला है। जी हां, और चमत्कार भी ऐसा कि खुद सिद्धार्थ शुक्ला सबके सामने फिर से होंगे। इसके लिए तारीख भी तय हो गई है, समय भी तय हो गया। अब इस चमत्कार के बारे में जब परिवार को पता लगा, शहनाज गिल को पता लगा, तो वो खुद भी हैरान हो गए। उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि सिद्धार्थ उनके बीच में एक बार फिर से होगा और इसीलिए इसके लिए बड़ी तैयारी कर ली गई है। असल में सिद्धार्थ शुक्ला अपनी जिंदगी में हमेशा ही सरप्राइज देने वाले माने जाते रहे। सिट का म्यूजिक को लेकर भी खासा रुझान रहा, म्यूजिक को लेकर उनकी पसंद हमेशा यादगार रही। सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने जीते जी एक रैप रिकॉर्ड करवाया था। जी हाँ, इस रैप सॉन्ग के बारे में ना तो परिवार को पता था और ना ही शहनाज गिल को। सिद्धार्थ के जाने के बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो से उनको पता चला कि सिद्धार्थ ने एक रैप रिकॉर्ड करवाया है, तो उसके बाद तो वो हैरान हो गए क्योंकि सिद्धार्थ का ये रूप बिल्कुल अलग था। बस फिर क्या था, फिर तो एक बार फिर से सबके बीच सिद्धार्थ को लाने की तैयारी शुरू हो गई। सिट के उस रैप को लाने की तैयारी शुरू हो गई। इस रैप को एक वीडियो के रूप में बनाया जा रहा है। हालांकि ये वीडियो लिरिकल होगा और इसमें सिद्धार्थ को ही रखा जाएगा, मगर साथ ही साथ इसे मेगा लेवल पर तैयार किया गया है। खुद शहनाज गिल ने साथ में बैठकर इस वीडियो को एडिट करवाया है और पूरी कोशिश है कि ये सॉन्ग सिद्धार्थ को शानदार ट्रिब्यूट हो और ऐसा लगे कि सिड फिर से हमारे बीच है, सिद्धार्थ फिर से वापस आ गया है। ये सोलो सॉन्ग है, इसमें सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला को दिखाया जाएगा और सिड के जन्मदिन पर 12 दिसंबर को, जी हां 12 दिसंबर को ये वीडियो रिलीज किया जाएगा, सिड का ये रैप सॉन्ग रिलीज होगा। इसे लेकर सिट का परिवार, उनके फैंस, उनको पसंद करने वाला हर शख्स, हर करीबी इंतजार कर रहा है। सभी को 12 दिसंबर को फिर से सिद्धार्थ शुक्ला के वापस आने का इंतजार है क्योंकि इस रैप के साथ हम सबके बीच में एक बार फिर से सिद्धार्थ शुक्ला होंगे और सिद्धार्थ का यही रूप पहली बार सबके सामने होगा, जिससे सिद्धार्थ शुक्ला को आगे भी सालों साल तक याद रखा जा सकेगा। तो कुल मिलाकर इंतजार है, 12 दिसंबर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बस बेकरारी इसी बात की है कि कैसा होगा सिट का ये रैप और कैसी होगी सिद्धार्थ शुक्ला की हम सबके बीच में वापसी। तो आपका सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर, सिट के इस रैप को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो नया खुलासा हुआ है वो बेहद ही चौंकाने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुलासा, ये दावा केंद्रीय मंत्री ने किया है और इसलिए भी इस पर भरोसा ज्यादा बढ़ रहा है। सुशांत को लेकर बाथरूम थ्योरी की जो बात सामने आई है उसके मुताबिक पहले सुशांत को बाथरूम में मारा गया और फिर बाथरूम से 4 लोग सुशांत को घसीटकर बेडरूम तक लेकर आए और फिर इस दौरान सुशांत के साथ मारपीट भी की गई, उसका पैर तक तोड़ दिया गया और फिर किसी को कुछ ना पता चले इसके लिए पंखे से लटकाने का पूरा प्लान बना लिया। ये सब कुछ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने खुलासे किए हैं और यही नहीं, राणे अब उन 4 लोगों के नाम भी बताने को तैयार हो गए हैं। अब वो नाम भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि सीबीआई को लेकर क्या खबर है। तो सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने नारायण राणे से संपर्क किया है और नारायण राणे के इस मामले में बयान दर्ज कराए जा सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में, क्योंकि इसके लिए तारीख भी करीब करीब तय हो गई है। दिसंबर के पहले पखवाड़े में नारायण राणे से इसे लेकर बातचीत हो सकती है और नारायण राणे सीबीआई के सामने बयान अपना दर्ज करा सकते हैं। पहले भी राणे ने कई तरह के आरोप सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सालियान के केस में लगाए थे, मगर तब राणे के पास पुख्ता सबूत नहीं थे, पुख्ता
गवा रही थी, मगर इस बार नारायण राणे का कहना है कि पुख्ता सबूतों के साथ वो आए हैं और चार लोगों के नाम बताने को भी तैयार हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बड़ी बात बता दें कि पहले भी नारायण राणे ने सुशांत को लेकर बयान दिए थे, लेकिन तब राणे सिर्फ एक बीजेपी नेता थे, लेकिन अब राणे केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और उनके हर बयान के मायने होते हैं। और अगर केंद्रीय मंत्री किसी मामले पर सबूत देने की, सबूत होने की, गवाह होने की बात कहता है, किसी मामले पर गवाहों को सामने लाने की बात कहता है या फिर कोई खुलासा करता है, कोई बड़ी बात बोलता है, तो फिर राणे की बातों को सुनना, समझना और जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकता। नारायण राणे ने चार लोगों के नाम भी बताने की बात कही है। राणे के मुताबिक ये लोग बेहद प्रभावशाली हैं, जिसमें से एक शख्स प्रभावशाली राजनीति से जुड़ा है, दूसरा शख्स उसका ही करीबी दोस्त है, जबकि राणे के मुताबिक दो अन्य लोग भी हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। और राणे के मुताबिक इन्हीं लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया, बाथरूम में गला घोंटा, फिर बेडरूम तक घसीट कर लेकर आए। नारायण राणे सीबीआई के सामने इन चारों लोगों के नाम बताने को तैयार हैं और पूरी तरह से इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने को भी तैयार हैं। और इसके बाद ही राणे के बयान के बाद सीबीआई भी एक्टिव हो गई है और सीबीआई ने तुरंत ही नारायण राणे से संपर्क कर लिया। अब राणे के इस बयान के बाद सुशांत केस में नहीं जाना गई है। अब तक शांत पड़े सुशांत केस में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है और फैंस भी एक बार फिर से अलर्ट हो गए हैं, एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि फैंस के ही बेस पर सुशांत की लड़ाई लड़ी जा रही थी, सुशांत के इंसाफ की बात कही जा रही थी और एक बार फिर फैंस के ही बेस पर यह लड़ाई आगे भी लड़ी जाएगी, सुशांत के लिए लड़ी जाएगी, ये तय है। और इसीलिए फैंस का एकजुट होना भी तय है और इसीलिए आपसे भी अपील है कि एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, सुशांत के इंसाफ को लेकर हो जाएं, क्योंकि अब सीबीआई एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रही है और नारायण राणे के बयानों के बाद अगर कुछ बड़ी कार्रवाई होती है तो तय है कुछ न कुछ तो होगा, कुछ न कुछ नया होगा, बड़ा होगा। और इसीलिए अब इंसाफ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, इंसाफ होगा, इसी धरती पर होगा। तो आपको नारायण राणे की बातों पर, केंद्रीय मंत्री के दावों पर कितना भरोसा है कमेंट करके बताएं और सुशांत के इंसाफ को लेकर आपका क्या कहना है इसे भी जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।